राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है मेरे आपके स्वाद चैनल पे। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ आलू कचौड़ी, मतलब आलू की सब्जी और कचौड़ी दोनों। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। आलू की कचौड़ी बहुत ही, आलू की सब्जी के साथ आलू की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। इस तरह बनाएं आलू की कचौड़ी और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपकी आलू की कचौड़ी कैसी बनी। और भी कोई रेसिपी बनवाना हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो देखिए, हम आलू कचौड़ी की सब्जी आपके साथ पेश कर रहे हैं। ये हमारा आधा किलो आलू हमने उबाल के छील लिया है और दो टमाटर बारीक काट लिया है। और यहीं पे इसके साथ मसाले हैं, ये तड़के वाले, तीन चार तेजपात है, थोड़ा सा हींग है एक पिंच, चार पांच लौंग है, एक बड़ी इलायची है, जीरा है, एक दालचीनी का दो तीन छोटा टुकड़ा है, लाल मिर्च है 8-10। और आलू को हम थोड़ा मोटा और थोड़ा महीन दोनों तरफ से फोड़ेंगे ताकि आलू की ग्रेवी बढ़िया बन जाए इसी आलू से। और मोटा दानेदार आलू रहता है तो कचौड़ी के साथ खाने में ही बहुत मजा आता है। तो देखिए, हमने कढ़ाई लिया है, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। कढ़ाई गर्म हो जाएगा हमारा तो हम इसमें ये तड़के डालेंगे। उसमें हमारा तेल गर्म हो गया है और जो भी हमने तड़के के लिए दिया था, जीरा, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग और तेज पत्ता, सारा इसी में डाल दिया और एक पिंच हींग भी इसी में डाल रखा है। आलू कचौड़ी की सब्जी में हींग डालना बिल्कुल कंपलसरी है, हींग डालें क्योंकि तेल इतना खाते हैं तो हींग उसके एडजस्टमेंट कर देता है। और देखिए, छोटा सा 1 चम्मच हमने हल्दी इसी में डाल दिया है। सबसे पहले हल्दी हम तेल में इस वजह से डालते हैं कि हल्दी का फ्लेवर नहीं आए और हल्दी बढ़िया से पक जाए। और यहीं पे हम ये 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं, 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा देगी मिर्च डाल देते हैं क्योंकि ये कलर भी बनाएगा और टेस्टी भी होगा, इस वजह से देगी मिर्च हम डालते हैं। और 1 छोटा चम्मच हम लाल मिर्च इसमें डाल दिए हैं। इसको बढ़िया से पका लेंगे। और इसके बाद हम जो 2 टमाटर बारीक काट रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे और बढ़िया से टमाटर को हम गला देंगे क्योंकि आलू तो ऑलरेडी पहले से उबला हुआ है तो उसको तो गलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसी मसाले को पकाना है तो मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे। तो मीडियम या लो फ्लेम रख दें, लो रखे मसाला भूनने के लिए तो और बढ़िया है, अगर मीडियम रखते हैं तो 1-1.5 मिनट रखे हैं और लो रखते हैं तो 4-5 मिनट के लिए छोड़ दें इसको। ये देखिए, हमारा टमाटर भी गल रहा है। आप चाहें तो टमाटर को पीस के भी डाल सकते हैं इसमें तो जल्दी और पक जाएगा। और जो हमने आधा किलो आलू ये रफली फोड़ रखा है, मैश कर रखा है, और यहीं पे हम 1 बड़ा चम्मच आमचूर डालते हैं। अब आमचूर भी डाल दें और यहीं पे हम थोड़ा सा मेथी का पत्ता डालते हैं क्योंकि इस तरह के सब्जियों में मेथी का पत्ता डालना चाहिए। और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं यहीं पे और इसको बढ़िया से हम भून देते हैं। इस तरह से आप कचौड़ी की आलू की सब्जी बनाएं, बहुत ही बेहतरीन बनता है। चाहे तो इसमें आप थोड़ा दही भी डाल सकते हैं और भी बेहतरीन हो जाता है। अगर आमचूर आप अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आमचूर नहीं डालना चाहते हैं, दही भी डाल देते हैं तब भी आपकी सब्जी चटपटी खट्टी हो जाती है। हम सब्जी को खट्टी बनाना, खट्टी और चटपटी बनाना चाहते हैं
तो लाल मिर्च भी डालना पड़ता है और दही भी डालना पड़ता है। ये देखिए, हमने एक अदरक छोटा सा टुकड़ा लिया और चार पांच हरी मिर्च लिया है। इसको अदरक को छील देते हैं और छील के पतला पतला काट के इसमें फोड़ देंगे हम। ये देखिए, पतला पतला काट लेते हैं। क्योंकि जो सब्जी कचौड़ी की होती है उसमें थोड़ा चटपटा फ्लेवर ज्यादा तेज आने के लिए अदरक डालना, और ये भंडारे वाली सब्जी भी जो बनती है उसमें भी अदरक ही खाली डालते हैं, लहसुन तो किसी में नहीं डालते हम, ना कचौड़ी वाले आलू में डालते हैं और ना ही भंडारे वाली, तो खाली अदरक ही हम डालते हैं। और यहीं पर देखिए, हमने थोड़ा सा दही डाल दिया है, इससे बहुत बढ़िया चटपटी सब्जी हो जाती है। दही मीठी ना हो, सपरेटा होता और बढ़िया है, क्योंकि थोड़ी खट्टी और थोड़ी चटपटी सब्जी ऐसे बनती है। इस तरह आप कचौड़ी वाली आलू की सब्जी बनाएं, बहुत ही बेहतरीन बनता है और टेस्ट तो पूछिए मत कितना बढ़िया आता है। और आपको जिस हिसाब से मोटा रखना, कचौड़ी के लिए आलू तो थोड़ा मोटा ही रखते हैं ताकि कचौड़ी के साथ खाई जाए। तो देखिए, जो हमने इसमें आधा लीटर पानी भी डाल दिया है, और ये अभी सब्जी हमारी खोल जाएगी, सब्जी तैयार हो जाएगी। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपको नहीं समझ में आता और या इससे भी ज्यादा आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। इसको हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम करके। तो देखिए, हमारा सब्जी खोल गया है। सब्जी खोलते समय रोगन नहीं आता है, सब्जी को ठंडा होने के बाद रोगन आता है इसमें। अभी तो फ्लेवर, इसका कलर ठीक नहीं लग रहा, फ्लेवर तो बढ़िया है, कलर ठीक नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ी देर में कलर भी इसका आ जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपको ऐसे बनाना चाहिए और ये आपने ठीक बनाया, ये आपको ठीक लगा। देखिए, सब्जी ठंडी हो गई है, थोड़ा रोगन आ गया है। और भी रोगन चाहते हैं, थोड़ा देगी मिर्च ऊपर से भी तड़का मार सकते हैं या पहले भी ज्यादा डाल सकते हैं तो भी रोगन आ जाता है। देखिए, कचौड़ी वाली आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम कचौड़ी बनाने जा रहे हैं। तो हमने 250 ग्राम करीब मैदा लिया है, और देखिए हमें 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल दिए हैं, और अजवाइन है 1 चम्मच, और स्वाद अनुसार नमक। अजवाइन को मिला देंगे। फिर तो जो हमने तेल रखा था 2 चम्मच बड़ा, 1 किलो में 1 बड़ा कलसी तेल डालते हैं, और 1 पाव में 2 चम्मच हमने डाल रखा है इसमें। इसको बढ़िया से मिलाना होता है, जितना बढ़िया से आप मिलाएंगे उतना ही एक खस्ता कचौड़ी बनेगा आपका। बढ़िया से मिलाए, फिर दोनों हाथों से ऐसे से मिलाए बढ़िया से, और पानी बाद में डाले धीरे धीरे करके, और इसको टाइट ही रखना होता है, लूज भी नहीं करना होता है। लेकिन सबसे बड़ा बात होता है कि सूखना नहीं चाहिए, जब आप गूंथते हैं तो सूखना नहीं चाहिए। ये देखिए, बढ़िया से हाथों से मिलाए इसको 1-2 मिनट, जितना मिलाएंगे उतनी आपकी कचौड़ी, मठरी, समोसा, जो भी कुछ आप बनाते हैं, तो इसके लिए मैदा जितना मिलाएं और जितना टाइट गूंदे, अपने बेलने लायक तो टाइट होना चाहिए, लेकिन जितना टाइट गूंदेंगे उतना ही आपका ये तीनों चीज बढ़िया बनता है। तो देखिए, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मिला रहे हैं, और इसको रेस्ट पर भी आप रख, गूंदने के बाद रेस्ट पर रखें, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा तो रखें कम से कम, 1-2 घंटा भी रख सकते हैं। बढ़िया से पन्नी में लपेट के इसको 1-2 घंटा के लिए भी रख सकते हैं, तो और भी मठरी बढ़िया, और भी मठरी या समोसा या कचौड़ी ये बढ़िया बनता है। तो देखिए, हम बढ़िया से मिला दिए हैं इसको,
और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको लगता है 2-3 मिनट लगता है इसको गूंदने में, तो आराम से गूंदे इसको। अगर ज्यादा गीला हो गया तो अभी कचौड़ी खस्ता नहीं होगी, कचौड़ी तो फूल जाएगी, अभी खस्ता नहीं होगी। देखिए कितना गीला है, ये हिसाब से रखकर देखिए हमने इसको ढक के रख दिया है, और एक पैन में हमने रिफाइंड 1/2 लीटर डाल दिया है, उधर वो गर्म हो रहा है, जब तक 15 मिनट के बाद हमने इसको फिर से दोबारा मल लेंगे इस तरह। अब इसको फट्टे पे रख के और इसको अपने जिस हिसाब से छोटा बड़ा जिस हिसाब से आप कचौड़ी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बनाएं। ये देखिए हमने आधा को काट दिया और आधे को लंबा पेंदा काटने के लिए लंबा बना रहे हैं पीस। अब चाहे तो इससे भी बड़ा कर सकते हैं और इससे भी छोटा कर सकते हैं, आपके हिसाब से, आप जिस हिसाब से साइज पसंद करते हैं उस हिसाब से काटें। उधर तेल गर्म हो रहा है, तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना होता है इसमें, कचौड़ी में कम गर्म तेल में इसको डालें और धीरे धीरे पकने दें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है कचौड़ी बनने में। अगर जल्दी तेज, अगर तेल आपका तेज है और जल्दी आप डाल रहे हैं तो ये होगा फूल तो जाएगी कचौड़ी लेकिन खस्ता नहीं बनेगा आपका, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप कि गैस धीरे में ही डालें कचौड़ी को, और कचौड़ी डालने और निकालने में बहुत टाइम लगता है। ये जो आपको तीनों चीज मैं बताया, मट्ठी, कचौड़ी और समोसा, तीनों चीज को डालने में, डालते समय अगर फ्लेम तेज रखेंगे तो ये खस्ता आपका नहीं होगा कोई भी चीज। ये देखिए तेल हमारा ठंडा ही है, देख रहे हैं, ये इसी में हम डाल देते हैं, थोड़ा सा और हल्का सा गर्म होगा और बस। हमने ट्राई के लिए इसको डाला था, ठंडा में डालने में जल्दी कचौड़ी, थोड़ा टाइम लगता है इसको फूलने में, धीरे धीरे फूलेगा ये, लेकिन तेल ठंडा में ही डालते हैं। देखिए हमने पेन में तेल बहुत कम ही रखा है, 1/2 लीटर से कम ही तेल है ये, क्योंकि इसके लिए कढ़ाई, कचौड़ी के लिए, समोसा के लिए, मट्ठी के लिए कढ़ाई होना चाहिए, कढ़ाई में आप बनाएं। अगले बार मैं आपको कोई भी चीज मट्ठी या समोसा बना के दिखाऊंगा, दोनों में से किसी चैनल पे, तो मैं आपको कढ़ाई में बना के दिखाऊंगा। या पहले ऑलरेडी मैंने समोसा मठरी सब डाल रखा है लाला जी का ढाबा पे, उस पर भी आप देख सकते हैं, तो क्योंकि पहले मैंने कचौड़ी भी डाल रखा है उस पर, मठरी भी डाल रखा है, मेरे हाथ के स्वाद पे अभी नहीं डाला हुआ है तो मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि घर पे बना रहा था। देखिए गैस का फ्लेम एकदम लो है, लो फ्लेम पे ही इसको हम डालेंगे, और कम से कम एक चक्कर निकालने में आपको, अगर तेल ज्यादा डालते हैं तो फिर तो ज्यादा 6-8-10 कचौड़ी डाल सकते हैं। वैसे तेल क्या होता है कि तेल ज्यादा फिर रखना पड़ता है, ज्यादा हुआ तेल, इस वजह से कम तेल में ही बनाए, बेशक थोड़ा टाइम लग जाए, फ्रेश का फ्रेश तेल रहे। और इस तरह सारा पेंदा हम काट दिए हैं, वैसे दबा दबा कर रखते जाते हैं, फिर दूसरा चक्कर भी निकालेंगे। तो इस तरह आप कचौड़ी बनाए, और जिस तरह हमने आलू की सब्जी बताया उस तरह बनाए, और जरूर हमें लिख के बताया कमेंट बॉक्स में कि आपका आलू की सब्जी कैसी बनी, कचौड़ी कैसा बना। ये देखिए एकदम लो फ्लेम है, और इसको ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे, प्रेस करने से क्या होता है ये फूल जाता है, ये हल्का हल्का प्रेस करना पड़ता है। बड़ा कढ़ाई में तरीका बनाने का दूसरा हो जाता है, छोटी से पेन में बनाने का दूसरा तरीका हो जाता है, तो मैं आपको नेक्स्ट भी बार बताऊंगा जब कढ़ाई में बनाऊंगा। तो ये देखिए एक तरफ फूला है, दूसरे तरफ, फिर दूसरे तरफ से हमने पलट दिया है इसको, देखिए हमारा कचौड़ी कितना क्रिस्पी बना है। अभी आपको हम सर्व करके भी दिखाएंगे, जब दूसरा चक्कर डाल रहे हैं ये सर्व करके भी दिखाएंगे। तो इस तरह से बनाया कचौड़ी, ये सबसे आसान तरीका
है कचौड़ी और आलू की सब्जी बनाने का, एकदम लो फ्लेम रखें। और आपका कचौड़ी खस्ता करारा बनेगा बढ़िया। तो हमें लिख के आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपकी आलू कचौड़ी की सब्जी और कचौड़ी कैसा बना। तो देखिए हम इसको आपको एक दो तोड़ के भी दिखाते हैं, ये दूसरा चक्कर भी हमारा निकल गया है कचौड़ी का। ये देखिए बुरादा गिर रहा है नीचे, तो इसका मतलब है खस्ता हुआ है कचौड़ी, थोड़ा गर्म में ज्यादा नहीं करारा हो पाता है। थोड़ा देर रखने के बाद या तो आपके मुलायम होगी तो बहुत ही मुलायम हो जाएगी पूड़ी की तरह, और अगर खस्ता होगा तो और ज्यादा खस्ता हो जाएगा। ये ठंडा होने के बाद ही पता लगता है कचौड़ियों का। मैं आपको इस तरह से खाए और अपने दोस्तों को परिवार में बनाए, और हमें जरूर लिख के बताएं कि आपका आलू कचौड़ी की सब्जी कैसे बना। और ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फिर हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। Thank you.